हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ फुल बॉडी की वैक्सिंग कैसे करें। मैंने इनका फुल बॉडी वैक्स किया है, हैंड, बैक, फ्रंट, टमी का भी वैक्स किया है, फुल पैरों की वैक्सिंग की है। किस तरीके से की है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। कुछ कुछ पार्ट मिस किए हैं जो मुझे लगा कि दिखाना सही नहीं होगा, वो मैंने नहीं दिखाई है। बाकी मैंने सारी बॉडी की वैक्सिंग की है और वीडियो अपलोड किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और आज मैंने ब्राइडल मेकअप किया था, सांवली ब्राइडल थी जिनका काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ था, तो मैं वो पिक और छोटी सी वीडियो ली है उनकी, मैंने वो इस वीडियो में डाल दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। वहाँ पर मैं अपनी रील्स वीडियो एंड ब्लॉग सॉरी रील्स वीडियो एंड अपनी पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ, तो जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपना ब्लॉग वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए मुझे। तो आज फुल बॉडी वैक्स कैसे करें चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो देखिए, आप पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस ये देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ है इनके हाथों पे, तो इनका वैक्स कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो इनके हाथों की पूरी वैक्सिंग की थी मैंने यहाँ पे, तो चलिए वैक्स स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने इनके हाथों पे कितनी ग्रोथ थी वो मैंने आप लोग को दिखा दी है यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी मैंने पहले इनके हाथों की वैक्सिंग की है। शुरू हो रहा है भाभी, तो पूरा इस तरीके से आप वैक्स पट्टी की वैक्स स्ट्रिप की हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टैन था इनके हाथों में और बहुत ज़्यादा हेयर भी था। तो जल्दी जल्दी वैक्स मैंने यहाँ पे किया है। ये पतली लड़की का हैंड वैक्स है, क्योंकि जिनका मैंने फुल बॉडी वैक्स किया था उनके हाथों पे उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ थी। तो मैंने हैंड का वैक्स इनके साथ दिखा दिया है और बॉडी का वैक्स उस लड़की का दिखाऊंगी, ताकि आप लोग को फुल बॉडी वैक्स दिखा पाऊँ मैं कि कैसे करना चाहिए। हेलो, बहुत सारी हैंड वैक्स की फुल ग्रोथ वाले अंडरआर्म्स की वैक्सिंग, हैंड वैक्स, हाथों की वैक्सिंग सब कुछ दिखाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लगभग इनके हाथों की वैक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और बाकी का आप मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें देख लीजिएगा हाथों की वैक्सिंग कैसे करते हैं, पैरों की कैसे करते हैं, सब कुछ है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हो, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। भाभी आपको यूट्यूब से कुछ मिल जाता है। तो ये पूरे हाथों की वैक्सिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ जहाँ भी हेयर बचे हों आप हेयर की ग्रोथ किस दिशा में है वैसे चेक करके वैसे ही हेयर वैक्स स्ट्रिप लगाइए और फिर पट्टी खींच के आप पूरे हाथ को क्लीन कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने मसाज किया है, यहाँ पे मैं पूरा प्रॉपरली नहीं दिखा रही हूँ, प्रॉपरली देखने के लिए बहुत सारी वीडियोज अपलोड की है फुल बॉडी वैक्स, मतलब आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। फिर आप जब भी वैक्सिंग करते हो तो आपको हाथों में अच्छे से हाथों को क्लीन करने के बाद से पानी से क्लीन कर दीजिए, उसके बाद से अच्छे से कोई भी मसाज क्रीम लगा के मसाज जरूर कीजिए, उससे जो हमारे ओपन पोर जैसे हम लोग वैक्स करते हैं तो जो बाल हेयर की जो जड़ें होती हैं वो खुल गई रहती हैं, तो उसमें मसाज करने से उसको रिलैक्स फील होता है और कस्टमर को पेन भी कम फील होता है और हेयर की ग्रोथ भी मुलायम होती है। तो उसके बाद से मैं अंडर आर्म्स की वैक्स कर रही थी, तो अंडर आर्म्स में इनकी सारी ग्रोथ ऊपर की तरफ से है आप देख सकते हो, तो मैंने इस पर पाउडर लगा दिया है और अब वैक्स को ले लिया है। ये एलोवेरा वैक्स है, बहुत ही अच्छा वैक्स है, और इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ से मैंने वैक्स लगा दिया है। अभी मैं वैक्स स्ट्रिप यहाँ पे लगा दूँगी, अच्छे से वैक्स लगा लेना है, वैक्स थोड़ी थोड़ी गर्म रहे तभी लगाना चाहिए, एकदम ठंडा करके नहीं, नहीं तो मोटी लेयर बन जाएगी और फिर वैक्स अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इस तरीके से मैंने लगा दिया है, अच्छे से रब करेंगे, दबाएंगे, पीछे से हाथ को खींचना है और तुरंत ही आपको गीला स्पंज अंडर आर्म्स वाली एरिया पे रख देना है। इससे क्या होगा कि कस्टमर को पेन कम फील होगा और जैसे स्किन बहुत ज़्यादा खींची खींची सी फील नहीं होगी और पेन भी कम होगा और ब्लड भी नहीं आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हो गया, थोड़ा सा हेयर और बचा हुआ है तो उसको दोबारा से क्लीन कर लेंगे हम लोग,
तो दोबारा से मैंने यहाँ पे पाउडर लगा दिया है। ये देखिए हल्की हल्की सी हेयर दिख रही है यहाँ पे, तो इसको भी दोबारा से क्लीन कर लेंगे। तो आप इस तरीके से अंडरआर्म की वैक्सिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने चिपका लिया है और जो बचा हुआ हेयर है वो भी रिमूव कर लूँगी। उसके बाद से पानी से क्लीन करके मसाज ज़रूर कीजिए। तो ये हो गया, अभी दूसरे वाले अंडरआर्म्स को क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए क्लीन हो गया, यहाँ पे पानी से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद से आप मसाज ज़रूर कीजिए। ओके, ड्राई करके टॉवल से और फिर मसाज कीजिए। तो दूसरे वाले अंडरआर्म्स को करने के बाद से बैक का किया था मैंने, हैंड का कर लिया था, उसके बाद से अंडरआर्म्स का किया, उसके बाद से बैक का फुल बैक किया था, बट मैंने वीडियो इतनी ही ली है। फिर फ्रंट का जो नेक एरिया होता है वो पूरा क्लीन किया था और टमी एरिया को भी पूरा क्लीन किया था मैंने वैक्स से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वैक्स लगा रही हूँ। अब पूरे बैक को क्लीन करेंगे। जैसे इनके हेयर की ग्रोथ ऊपर की तरफ है तो मैं ऊपर की तरफ वैक्स को लगाऊंगी। यही प्रोसेस आपको सारे जहाँ भी आप हेयर वैक्स करते हो हर जगह यही यूज करना है। जैसे आपकी ग्रोथ, जैसे इनकी ग्रोथ इस तरीके से जैसे मैं वैक्स लगा रही हूँ वैसी ही इनकी ग्रोथ है, तो ऐसे ही आपको हाथों पे, पैरों पे, जिस भी एरिया में आप वैक्स कर रहे हो आप हेयर की ग्रोथ देखो कि किस साइड से हेयर जा रहे हैं। जिधर से हेयर जा रहे हैं उसी तरफ से आपको वैक्स लगाना है, अच्छे से पट्टी को रब करना है, फिर उसकी दूसरी साइड से पट्टी को खींच देना है। जैसे हमने नीचे से ऊपर की तरफ हेयर की ग्रोथ है तो ऊपर से नीचे की तरफ पट्टी को खींचना है। तो इसी तरीके से सारे बैक को क्लीन किया था मैंने। नेप पे भी इनके मैंने वैक्स किया था और नेप इनकी काफ़ी काली हो गई थी तो वहाँ पे मैंने ब्लीच भी किया, फिर पूरा फेशियल का प्रोसेस किया था वहाँ पे भी। ये वैक्स कराने से क्या होता है, आपकी जो टैनिंग आई होती है, स्किन डल हो गया रहता है वो क्लीन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है बहुत ही। तो यहाँ पे थोड़े बचे हुए थे तो यहाँ पे दोबारा से मैं वैक्स लगा ले रही हूँ। और पूरा बैक इस तरीके से क्लीन करेंगे। तो पूरा बैक में मैंने कट नहीं किया था, जितना मतलब इधर लिया हुआ है इतने का तो वैक्स में वेट सॉरी वीडियो मैंने पूरा ही ले लिया था। पहले मैं वैक्स को चेक कर ले रही हूँ कि गर्म तो नहीं है बहुत ज़्यादा, कहीं कस्टमर की बॉडी जल ना जाए इसलिए चेक करके ही लगाना चाहिए। फिर बाद में मैं नीचे का पूरा पीठ इनका वैक्स करूँगी। तो आप अगर आपकी शादी हो रही है तो आप इस तरीके से वैक्स करा सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत क्लीन रहता है और काफ़ी टाइम के बाद हेयर की ग्रोथ स्टार्ट होती है और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन रहता है, तो ट्राई ज़रूर करना। देखिए कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, आपको वीडियो में भी समझ में आ रहा होगा, तो सोचिए नॉर्मल में कितना अच्छा अलग डिफरेंट दिखेगा आपका स्किन, ग्लोइंग एंड स्मूथ। तो आप तो ये इस तरीके से मैंने बैक क्लीन की थी इनकी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगा। इस प्लीज़ लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए। पार्लर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहती हूँ, जिससे आपको पार्लर का काम सीखने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अभी मैं पैरों की वैक्सिंग करूँगी। तो ये देख सकते हो आप फुल पैरों की वैक्सिंग है, उसके लिए सबसे पहले पाउडर यहाँ पे लगा ले रही हूँ, अच्छे से पाउडर को मिक्स कर दूँगी। उसके बाद हमारी ग्रोथ ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इस तरीके से मैंने पूरा पाउडर लगा दिया है। उसके बाद से हमारी वैक्स भी गर्म हो चुकी है, तो वैक्स में चेक करने चली गई थी अच्छे से गर्म हुई कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा वैक्स हीटर कुर्सी पे आ नहीं रहा था, तार उसकी बहुत छोटी थी, तो मैं एक टेबल मंगाऊंगी छोटा सा जिसको मच्छिया भी बोलते हैं,
तो वो यहाँ पे चेयर पे रख दूँगी, उसके ऊपर आप वैक्स रख लूँगी और अच्छे से हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे कर रही, मैंने वैक्स हीटर ही उतार लिया है नीचे, पूरा अच्छे से पूरा वैक्स लगा देना है पैरों में, पतली पतली वैक्स लगाइए। ओके, इसी तरीके से पूरे पैरों की वैक्सिंग करेंगे। तो पूरे पैरों की वैक्सिंग मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, तो जरूर देखिएगा पूरा। तो इस तरीके से मैंने वैक्स लगा लिया है यहाँ पे, और वैक्स स्ट्रिप को चिपकाएंगे, जो उसका मुलायम वाला हिस्सा होता है वो चिपकाना होता है। अच्छे से रब करेंगे और इस तरीके से नीचे से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच देंगे। अपनी शादी वादी हो तो ज़रूर खींचिएगा ऐसा। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रिप खींचेंगे और पैर को पूरा क्लीन करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे लगाई और इस तरीके से खींचा, पूरे पैर को इसी तरीके से आपको क्लीन करना है। आपको खास ध्यान रखना है कि ग्रोथ किस तरफ से है, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ ही वैक्स लगाओगे और फिर पट्टी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचोगे। जिधर की ग्रोथ रहेगी वैक्स वैसे लगाओगे और पट्टी आपको उल्टी दिशा में खींचनी है। अब मैं साइड का ये वैक्स कर रही हूँ, उसके बाद से बैक का करूँगी। तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए, इस तरीके से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पैरों की, फुल पैरों की वैक्सिंग कैसे करें उसमें। तो आप ध्यान से देखो, आपको पूरे पैरों की वैक्सिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए कि फुल पैरों की वैक्सिंग, फुल ग्रोथ वाले पैरों की वैक्सिंग कैसे करें और फुल पैरों की वैक्सिंग, तो मैं अलग से भी वीडियो डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था ताकि जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए, बहुत लंबी हो रही थी वीडियो। तो देखिए कितना क्लीन हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी इनके पैरों पे। ओके, तो अभी हम लोग बैक साइड का कर लेते हैं। इस तरीके से वैक्स लगाया है मैंने। इस वीडियो को इसलिए थोड़ा सा भी कट नहीं किया था कि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे वैक्स करते हैं पूरे पैरों की। तो काफ़ी रिक्वेस्ट भी आते रहती है कि मैंने पैरों के फुल पैरों की वैक्सिंग दिखाई, फुल हाथों की वैक्सिंग दिखाई, फुल ग्रोथ वाले हाथों की वैक्सिंग दिखाई, इसलिए मैंने सोचा इस तरीके की वीडियोज बनाई जाएँ आप लोगों के लिए। अभी हमारा ऊपर का हिस्सा क्लीन हो चुका है, अभी पैरों में नीचे की तरफ हम लोग वैक्स करेंगे। पतला पतला वैक्स का लेयर एकदम पतला पतला लीजिए, उससे आपको वैक्स करने में भी आसानी होगी, आपकी वैक्स स्ट्रिप भी बचेगी और ज़्यादा चिपचिपाहट सा भी नहीं होगा। तो ये मैंने वैक्स लगा लिया पूरा, और फटाफट मैं क्लीन कर लेती हूँ। आई होप आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी ये वीडियो देख के वैक्सिंग करने में। तो अगर हेल्प मिले, अच्छी लगे वीडियो, तो लाइक शेयर ज़रूर कर जाए, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो प्लीज़ उस पर भी जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। ये दूसरे पैरों की वैक्सिंग हो रही थी तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो लिया था। तो इस तरीके से आपको पैरों की वैक्सिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें गाइस। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वैक्सिंग कैसे किया वो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करिए। बाय बाय।